हम हैं राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में, जहां पर न्यूज टाइम्स कॉरपोरेशन द्वारा जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यहां जो जन समस्याएं हैं, यहां की जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनके बारे में जानना है। हमारे साथ यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम संवाद करेंगे, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि मोहल्लों में लोग सच्चाई नहीं बोल सकते, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में डेयरियाँ चल रही हैं, घरों में डेयरियाँ चल रही हैं, और परिणाम ये होता है कि वही सब गाय भैंस बाहर घूमते रहते हैं और वो आकर के घरों के सामने जो है गंदगी करते रहते हैं, और साफ हमें करना पड़ता है उनको। और बाकी जो अपने घर की जो ये कूड़ा प्रबंधन और सब समस्याएं हैं जो है, इसका तो निस्तारण आदमी को स्वयं करना होगा, तभी ये समस्याएं सुधर पाएंगी, तभी हम दूसरे को ये बात अपनी ऊपर तक शासन तक पहुंचा सकते हैं कि शासन अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकता है। हमारे साथ हैं नीलम बालाजी, जो भारतीय जनता पार्टी की नगर मंत्री हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, नीलम बालाजी से जानते हैं, इसी क्षेत्र में ये रहती हैं, इस वजह से इनको इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बाखूबी जानकारी है। नीलम जी, क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर पानी निकासी की हैं, और पानी निकासी का आज से सन 2000 में अलका जी यहाँ से सभासद हुई थी, उन्होंने क्षेत्र में एक नाला भी बनवाया था पानी निकासी का, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो नए बसे हुए हैं, वहाँ पर पानी की निकासी की समस्या है। और ये कल्याणपुर एक ऐसी कॉलोनी है जिसका आवास विकास और LDA से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये लोकल कॉलोनी है तो यहाँ की सड़कों का निर्माण, यहाँ की नालियों का निर्माण इस तरह से हुआ है कि यहाँ कर पानी का जमाव, कचड़े का संसाधन ठीक से रख रखाव नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड ये है कि यहाँ पर शौच के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है, हजारों की संख्या में लोग बाहर से जो मजदूर यहाँ पर रहते हैं वो या तो जंगल में या खाली प्लाटों में सुबह सुबह शौच के लिए बैठे हुए थे। दूसरा, इस इलाके में कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है जिसके माध्यम से अगर हम चाहें तो गरीबों के बच्चों को छोटे छोटे वैक्सीन, छोटा खांसी जुकाम बुखार हो जाता है बेचारों को, यहाँ से 500 रुपए खर्च करके दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो एक तो अगर यहाँ पर सुलभ शौचालयों की व्यवस्था हो जाए, दूसरा अगर यहाँ पर संभव हो तो PHC का निर्माण हो सके। सड़कों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिसको जैसे संभव है अपना करा लेते हैं, जो नहीं है वो समय आने पर हो जाएगा। कुछ टूटी फूटी सड़कें, नालियाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो नागरिक स्वयं चाहें तो करा सकते हैं, नहीं तो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराना चाहे करा लें। और कुछ रिंग रोड से कनेक्टेड जो रैम्प्स हैं वो टूटे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके वो नगर निगम या PWD के माध्यम से ठीक हो जाए, तो बाकी सब कुछ लगभग ठीक है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके की समस्याएं से जूझ रहे हैं यहाँ पर लोग। न्यूज टाइम्स कॉरपोरेशन ऐसी समस्याओं को हमेशा उठाता रहा है और उठाता रहेगा, साथ ही ऐसी समस्याओं के निदान के लिए इससे जुड़े संबंधित अधिकारियों तक ये समस्याएं पहुंचाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतर रजा के साथ मैं सुयश मिश्रा, न्यूज टाइम्स लखनऊ।